लाहौर में बिलावल भुट्टो के हलका एन ए 127 में सूबाई नशस्त, 161 में नून लीग और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट और पीपल्स पार्टी के फैसल मीर के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। इस हलके में नाकिस सीवरेज सिस्टम, टूटी फूटी सड़कें और पीने के साफ पानी की अदम फराहम पर वोटर्स नाराज नजर आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर फैसल टाउन कोठा पिंड में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास बताइए, एक तो उम्मीदवारों के हवाले से और साथ साथ ये बताएं कि इस हलके के मसाइल क्या हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हलका एन ए 127 की सूबाई सीट के हलके पीपी 161 में। ये हलका बड़ा अहम है क्योंकि ये लाहौर के बहुत से पॉश एरियाज को जो है वो कवर करता है, जिनमें खास तौर पर फैसल टाउन है, बीओआर सोसाइटी है, मॉडल टाउन है और इसके साथ साथ जो है वो और पॉश एरियाज जो है वो इस हलके में आते हैं टाउनशिप के भी। और इस हलके में अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी के उमर सुहेल ज़िया भट्ट वो यहाँ पर पीपी 161 में सूबाई असम्बली की सीट के उम्मीदवार हैं, जिसके साथ साथ जो है वो फारूख जवेद जो पीटीआई के यहाँ से कैंडिडेट हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें फैसल मीर वो पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के जो है वो शाहिद असलम जो है वो यहाँ पर सूबाई सीट के जो है वो उम्मीदवार हैं। इस हलके की कुल वोटर्स की तादाद की बात करें तो तकरीबन 2,90,000 के करीब इसके वोटर्स हैं जो सूबाई सीट पर जो है वो अपनी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हलके के मसाइल की बात करें तो इस हलके में भी बिजली, गैस, पानी के, सड़कों की टूट फूट के जो है वो बहुत से मसाइल हैं। सेवरेज का मसला जो है वो इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। शहरियों ने ये डिमांड की है, जो भी उनसे वोट मांगने आता है वो डिमांड करते हैं कि उनके इलाकाई मसले जो है वो हल करें तो वो इन्हें वोट करेंगे। लेकिन इस जगह पर जो कंपेन्स हैं वो यहाँ पर जारी हैं। यहाँ पर जो कंपेन्स की गई हैं फैसल मीर के जो यहाँ पर हल्के में, तो जो बख्तावर भुट्टो जो है वो खुद यहाँ पर आई, बिलावल भुट्टो इस हलके में आए और उन्होंने कंपेन की। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर जो कंपेन्स हैं वो मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से भी जो है वो की जा रही है, गली गली मोहल्लों तक जो है वो पहुँचा जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। जबकि पीटीआई की तरफ से बात करें तो उनके सिर्फ बैनर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कंपेन ऐसे सामने नहीं आई। पहले जो है वो आए थे